हम चाहे कितने ही खूबसूरत क्यों ना दिखे, अगर हमारे सर पर एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ हेयर नहीं है ना, तो दुनिया हमें ऑकवर्ड फील करवा ही देती है। दुनिया की ऑकवर्डनेस का तो सॉल्यूशन है, बट उस ऑकवर्डनेस के साथ जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है, उसके लिए क्या करें? तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेमेडी जो आपको हेल्प करेगी न्यू हेयर ग्रोथ में। प्लस अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, वो जो फ्लेक्स आ जाते हैं कई लोगों के स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा, और अगर आपको बाल्ड पैचेस हो गए हैं कुछ इस तरह के, तो उन सब चीज़ों को ठीक करने में हेल्प करेगी। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing awesome and loving this summer season. देखिए, जब भी हम हेयर ग्रोथ की बात करते हैं ना, हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि अनियन जूस लगाएंगे, और जब भी हमें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए बालों का, तब भी हमारे दिमाग में अनियन आता है। आज जो रेमेडी मैं आपके साथ बता रही हूँ, ये तो हम आसपास भी अपने दिमाग के नहीं सोचते, और हम ये भी नहीं सोचना चाहते कि हमारा जो हेयर फॉल हो रहा है उसका रीज़न क्या है। हेयर फॉल के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहले आप अपना रीज़न फाइंड आउट करिए, उसके बाद आप अपनी हेयर ग्रोथ की जर्नी स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप अपनी हेयर ग्रोथ पे ध्यान दिए जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली, और आधे बाल बीच से गायब हो रहे हैं, बस वो एक पतली सी चोटी बनकर रह गई है। तो मेक श्योर, अगर आपके बाल बढ़ रहे हैं लेकिन साथ में पतले भी हो रहे हैं, तो दैट मीन्स आपको हेयर फॉल भी हो रहा है, और उसका रीज़न क्या है वो जानना ज़रूरी है। देखिए, हेयर फॉल के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इट कुड बी जेनेटिक्स, इट कुड बी एलोपेशिया, इट कुड बी बैड डाइट, इट कुड बी एनवायरमेंटल, इट कुड बी एनीथिंग। तो आप अपने लिए पहले रीज़न फाइंड आउट करिए कि आपका क्या खान पान ख़राब है, आपका एनवायरमेंट ख़राब है, आपको हार्ड वाटर से हेयर वॉश करना पड़ता है, आपके जीन्स में वो चीज़ है। आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो एक जेनेटिक जो प्रॉब्लम होती है ना, जैसे एलोपेशिया आपने सुना होगा। एलोपेशिया दो तरह का होता है। एक इस एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जिसका एक्चुअली में कोई वैसा इलाज नहीं है परमानेंट, बट यस, अगर आपको अर्ली स्टेजेस पे पता चल जाए तो आप उससे रिकवर कर सकते हैं। सेकेंड इस एलोपेशिया एरेटा, जिसमें क्या होता है कि आपको ना ऐसे छोटे छोटे बाल पैचेस पड़ जाते हैं, और ये बहुत कॉमन है। एंड नॉर्मली लोग कहते हैं कि यार बालों में ना कीड़ा लग गया, तो उस कीड़े से कैसे डील करना है, वही आज के इस वीडियो में मैं बता रही हूँ। प्लस जिनको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कीड़ा नहीं लगा है या जेनेटिक्स नहीं है, बस उनको हेयर ग्रोथ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो वो ये हेयर ऑयल अपने लिए वीक में एक बार यूज़ कर सकते हैं, अगर उनको कोई डैंड्रफ रिलेटेड इशू नहीं है अपने बालों में। तो आज की रेमेडी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम हेयर ग्रोथ की जर्नी स्टार्ट करते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है अनियन, लेकिन गार्लिक के बारे में कोई नहीं सोचता। गार्लिक इज़ फुल ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मैनी न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे बालों के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। गार्लिक में प्रेजेंट एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़, अगर हमें कोई भी इन्फेक्शन हो गया ना हमारे स्कैल्प में, कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो गया, जिस वजह से समटाइम्स हमारे बाल गिर जाते हैं, पहला रीज़न। सेकेंड इज़ जो एलोपेशिया की वजह से बाल पैचेस हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है, एलोपेशिया डायरेक्ट हमारे इम्यून सिस्टम को हिट करके हमारे हेयर फॉलिकल्स को डैमेज कर देता है, और हमें वहाँ पर बाल पैचेस आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को रिकवर करने की पोटेंसी एक गार्लिक रख सकता है। तो पहले हम बनाएंगे गार्लिक हेयर ऑयल। ये आपने वीक में बस दो ही बार यूज़ करना है। 12 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, उनके बालों में आप इसको बिल्कुल नहीं लगाएंगे। इफ़ इन केस आपको गार्लिक से स्मेल का इशू है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसमें थोड़ा सा असेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, एक से दो ड्रॉप। दैट कुड बी रोजमेरी, दैट कुड बी टी ट्री ऑयल, या जो भी आपको फ्रेग्रेंस पसंद है, इट्स जस्ट अप टू यू। सो लेट्स नो कि कैसे हमें ये हेयर ऑयल प्रिपेयर करना है। तो रेमेडी प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ गार्लिक। कुछ इम्पॉर्टेंस आपके साथ शेयर करना था कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, उसे हंस खेल कर मज़े से बिताइए। ज़्यादा स्ट्रेस और ओवरथिंक करेंगे ना, तो आप कोई भी रेमेडी, कोई भी स्किन केयर, आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आप अंदर से खुश नहीं है ना, कोई रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसके बाद मुझे लिटरली अपने बाल कटवाने पड़े थे।
मेरा हेयर वॉल्यूम बिल्कुल हाफ रह गया था एंड मैं अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उसके बाद अपने बालों की हालत देखकर मुझे उन्हें कटवाना पड़ा था। तो रेमेडी के लिए मैंने यहाँ पर सेकेंड इंग्रेडिएंट ले लिया है कोकोनट ऑयल, जो कि है एक्स्ट्रा वर्जिन। आप कोई भी कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं जिसके लिए आप कंफर्टेबल है, बट फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स अगर आपके पास एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल हो। जैसे मैंने यहाँ पर कोको गुरु का यूज़ किया है, जो कि बिल्कुल प्योर कोकोनट ऑयल है। आप मार्केट से कहीं भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। अभी पैराशूट के भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, बट ट्रस्ट मी, अब मुझे वो उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर बहुत अजीब सा लगता है, वो नेचुरल बिल्कुल नहीं लगता। उसके बाद मैंने यहाँ पर गार्लिक को लिया है थोड़ा सा कूट, ताकि उसका जूस अच्छे से एक्सट्रैक्ट हो जाए और ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने 5 से 7 मिनट में इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, लाइक जो लोएस्ट फ्लेम है ना आपका स्टोव का, उस पर रखना है एंड पकने देना है। उसके बाद आपने इसको साइड में ठंडा होने देना है थोड़ा सा, एंड उसके बाद हल्का सा गर्म करके आपने इसे सीव की हेल्प से छान लेना है। जिन जिन लोगों को लाइक माइक्रोबियल इन्फेक्शन या कोई भी फंगल इन्फेक्शन स्कैल्प में हो गया ना, ट्रस्ट में उनके लिए ये ऑयल इज़ जस्ट मैजिक। आपको 2 से 3 दिन में दिखने लगेगा कि वो जो एरिया है जहाँ बिल्कुल बैल्ड पैच आपको नज़र आ रहा था, आपकी स्कैल्प बिल्कुल वाइट नज़र आ रही थी, वो थोड़ा सा डार्केन होने लगा है और वहाँ पर छोटे छोटे बाल आने लगे हैं। अगर आपको लाइक हेयर ग्रोथ देख रहे हैं कि आपको हेयर ग्रोथ पे ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, आपको हेयर थिनिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसे क्या करें, आप वीक में इसको सिर्फ एक बार यूज़ करें, बाकी 2 डेज आप अनियन ऑयल अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स ये है कि अनियन जूस से जो हमारे जो थोड़े बाल फ्रिजी हो जाते हैं ना, इससे वैसा नहीं होता। इससे आपके बाल थोड़े से लाइक शाइनियर दिखते हैं और वो थोड़े मोर मैनेजेबल हो जाते हैं अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो। तो बालों को अच्छे से कोम करके आप अपने पूरे स्कैल्प पे इसका मसाज कर लीजिए। यू कैन सी कि मेरे को यहाँ पर हेयर थिनिंग हो रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर द लाइफ वॉज सो स्ट्रेसफुल, इस वजह से आई कटेड माई हेयर एंड मेरे बालों का वॉल्यूम ऑलमोस्ट 2 गुना था अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ देखेंगे, एंड द रीज़न इज़ ओनली स्ट्रेस। तो अगर आप कंपेरिजन करेंगे ना मेरा लास्ट ईयर और अभी के बालों में, तो यू कैन फाइंड आउट कि स्ट्रेस कितना बुरा है हमारी पूरी बॉडी के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। अब देखिए ज़िंदगी है, उसमें अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहेंगे। आई नो कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी जब हमें नहीं समझ में आएगा कि यार ये नहीं हो पाएगा हमसे, बट अगर आपके साथ वो चीज़ हो रही है ना, दैट मीन्स वो आपसे हो जाएगा। सो कीप गोइंग एंड ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, कीप इन्जॉय योर सेल्फ और धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी। तो आराम से इन्जॉय करिए अपने सेल्फ लव की जर्नी। तो ये जान ली हमने कि रेमेडी कैसे प्रिपेयर करनी है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई कम अक्रॉस दिस माइक्रोबियल इन्फेक्शन, मैं 10th स्टैंडर्ड में थी जब मेरी कज़न को हो गया था और वो लिटरली प्याज के छिलके अपने बॉल पैचेस में रगड़ रही थी। एट द एंड उसको डर्मेट्स को दिखाना पड़ा एंड उसके बाद मेडिकेशन से वो चीज़ ठीक हुई। तो अगर आपका सिर्फ इनिशियल स्टेज पे है और आपको लगता है कि इससे ठीक हो रहा है, देन गो फॉर दिस एंड वीक में 2 बार आप यूज़ करें। प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल और ज़्यादा खूबसूरत दिखे, थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज हो, तो भी आप इसे अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, अगर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो गया है, देखिए डैंड्रफ होने का मेन रीज़न ही यही होता है कि हम ओवर क्लीन कर रहे हैं या हम अपने बालों को धो ही नहीं रहे हैं या बार बार शैम्पू कर रहे हैं, मतलब एवरी डे शैम्पू कर रहे हैं, हीटिंग प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं। तो सब कुछ ना लाइक प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए कि वीक में आप 3 बार हेयर ऑयलिंग कर लीजिए या 2 बार ऑयलिंग कर लीजिए, 1 बार मास्क लगा लीजिए, इतना ही होना चाहिए आपके हेयर केयर रूटीन में। ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सेस ऑफ ऑयलिंग कर दी, एवरी डे एवरी नाइट आप ऑयलिंग कर रहे हो, नेक्स्ट मॉर्निंग आप बालों को धो रहे हो कि अब मेरे बाल गिर रहे हैं तो मुझे इतना स्ट्रेस हो गया है कि मैं हर रोज़, कुछ नहीं होने वाला। आप हर रोज़ अगर अपने स्कैल्प के एनवायरनमेंट को ख़राब करके सोच रहे हो ना कि आपके हेयर ग्रो हो जाएंगे, नहीं होगा। वीक में सिर्फ 3 दिन ही ऑयलिंग रिकमेंडेड है। अगर आपको कोई भी इशू है अपने हेयर स्कैल्प में या आप अपने हेयर के टेक्सचर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हर रोज़ हेयर ऑयलिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर स्कैल्प। सो ये हो गया। प्लस अगर आप
इंटरनली भी इस चीज़ की वैल्यू लेना चाहते हैं तो देखिए, हम खाने में तो लेते ही है गार्लिक, बट जो मैंने इसमें दो कलियाँ छोड़ दी थी ना, आप उसको एज अ लाइक अचार की तरह भी खा सकते हैं अपने खाने में। मुझे तो पर्सनली गार्लिक बहुत पसंद है तो मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ। अगर आप में थोड़ी सी एबिलिटी है तो अगर आप मॉर्निंग टाइम पे कच्चा एक गार्लिक खा सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है आपकी बॉडी में, और आपकी बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेशन है ना, उसको कम करने में हेल्प करता है। सो यू कैन ईट इट एवरी डे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट ये नहीं है कि बहुत सारा खा लेना है, एक ही खाना है या दो ही खाने, उससे ज़्यादा नहीं खाना है। I hope you liked it, and if yes, then do like, share and subscribe to my channel. See you in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye-bye.